कुछ देर में मंत्रिमंडल का जो है शपथ ग्रहण होना है और उसको लेकर जो है तैयारियां राजभवन में की जा रही है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो आप गाड़ियां घुसते हुए देख रहे हैं राजभवन के अंदर, इसी गाड़ियों में तमाम जो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे इसी गाड़ियों से बाहर निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। कुल 9 गाड़ी जो है मंगाई गई है, यानी कि 9 मंत्री जो है राजभवन में शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। देखिए तस्वीर देखिए, इसी गाड़ी में जो है वो जो शपथ लेंगे मंत्री, जो नए मंत्री होंगे वो इन गाड़ियों में जो है शपथ ग्रहण के बाद निकलेंगे। और देखिए जाती हुई तस्वीर जो है आपको दिखाई देगी, जहां पर जो गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में जो मंत्री हैं वो लौटेंगे उनके लिए 9 गाड़ियां जो है वो मंगाई गई है। यानी कि साफ हो गया है कि एक पद जो है वो और भरे जाएगा, यानी कि जो हेमंत सोरेन के सरकार में एक पद खाली रह गया था वो चंपई सोरेन की सरकार में वो पद को फुलफिल किया जाएगा। उसी के मद्देनज़र जो है ये 9 गाड़ियां मंगाई गई। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है, उनसे जानते हैं। मदन, बड़ा अपडेट है, 9 गाड़ियां मंगाई गई है। जो हम उम्मीद जता रहे थे कि एक पद जो खाली था पहले वो चंपई सोरेन की सरकार में जो है वो भरा जा सकता है, उम्मीद जता सकते हैं इसको लेकर 9 गाड़ियां मंगाई गई। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जो ये तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये स्पष्ट है कि अब 9वां जो एक तरह से आज 9 मंत्री शपथ लेंगे तो 12वां मंत्री पद जो खाली रहता था वो इस बार भरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कह सकते हैं अब क्लियर हो गया है जो हम तमाम अंदेशा लगा रहे थे, लेकिन अभी भी जो है चेहरों को लेकर जो है क्लियरिटी नहीं आई। लेकिन बैद्यनाथ राम जो है उनको लेकर जो चर्चाएं थी वो लगभग क्लियर हो चुका है, बैद्यनाथ राम एक चेहरा हो सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। दो लोगों के नाम आ रहे हैं, दीपक बिरुवा और बैद्यनाथ राम, इन दोनों को राजभवन से कॉल चला गया है जो जानकारी मिल रही है। तो ये तय माना जाए कि अब राजभवन से जब कॉल चला जाता है तो वो मंत्री पद के शपथ के लिए पहुंचेंगे, तो बैद्यनाथ राम और दीपक बिरुवा जो है वो दो लोग नए चेहरे के तौर पर शामिल हो रहे हैं। हरिजन नेता जो है पिछली सरकार में, यानी कि हेमंत सोरेन के सरकार में नहीं था हरिजन नेता, एससी कोटे से कोई मंत्री नहीं था, लेकिन बैद्यनाथ राम के आने से एक एससी कोटे का मंत्री भी देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए अब ये सरकार जातिगत समीकरण पर जो है मंत्री पद जरूर बढ़ाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक समाज से, अग्रा समाज से, पिछड़ा समाज से तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए मंत्री पद जो है वितरित किए जाते हैं। तो इसमें बैद्यनाथ राम का जो नाम आया है वही एक नतीजा है कि पिछड़े समाज से उनको दिया गया है। देखिए तो दो नाम जो है वो क्लियर हो गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, पहला नाम बैद्यनाथ राम और दूसरा नाम दीपक बिरुवा। ये जो दो नाम हैं ये दो नाम क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी और कितने नाम क्लियर होने हैं ये बाकी हैं, कौन से और नए चेहरे हो सकते हैं इसको लेकर इंतज़ार करना होगा। लेकिन 9 गाड़ियां जो मंगाई गई है इन 9 गाड़ियों में सवार होकर जो यहां पर विधायक पहुंचेंगे और अंदर शपथ ग्रहण के बाद मंत्री बनकर बाहर निकलेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।